मैडम आपका नाम क्या, आप रहते कहाँ पे और आपकी समस्या क्या है? मेरा नाम शकीला नदीम खान है। मेरी समस्या ये कि मेरे सास के मरने के बाद मेरा जो शोहर के नाम पे ये घर हुआ नहीं, और जो मेरे ससुराल वाले वो बाहर रहते, उन लोग ने क्या चीटिंग करके वो जो पेपरे सब बना लिए, और मैंने सब पेपरे जो ये सब मैंने जाके पुलिस स्टेशन में भी बताया, सब जगह पेपर भी डाला, मगर पुलिस कुछ काम नहीं कर रही है। और उल्टा मैं जाती हूँ तो पुलिस मेरे को एकदम झिड़की दे के निकालती कि मैं ये सब करने नहीं बैठा हूँ, ये तुम लोग का काम, ये बोले ने क्या मैं नहीं कर सकता हूँ बोलकर उसने छोड़ दिया। और वो पुलिस वाले का नाम है बिलाल शेख। तो जब आपने ये पेपर डॉक्यूमेंट्स निकाले, आपको कैसे मालूम पड़ा कि इसमें फॉर्ज हो चुका है? ये मुझे ने क्या लाइट बिल से पता चला, जब उसके नाम का लाइट बिल मैंने देखी तब पता चला। तो मैंने ने क्या इसका पूरा जानकारी निकाली तो तब मुझे पता चला कि इसने फ्रॉड करके लाइट बिल करी है अपने नाम पे। तो आगे क्या, अब क्या चाहते हो, आगे क्या होना चाहिए? आगे मैं चाहती हूँ कि नहीं क्या ये जो घर है मेरी सास का जो मरने के बाद जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा, ये होना चाहिए बोलकर मैं बोल रही हूँ। तो पुलिस आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, आप जो ऑफिसर का नाम बता रहे हैं बिलाल शेख, वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसके वरिष्ठ अधिकारी या फिर किसी से आपसे मदद की गुहार की? सब जगह पुलिस स्टेशन में लेटर भी डाली हूँ, सबसे मदद भी मांगी, डोंगरी वालों से भी मांगी, उन लोग ने भी मेरा नहीं क्या कुछ सुने नहीं, बोले इसी के पास जाओ। फिर मैं इसी के पास आई तो फिर भी इसने मेरे को ऐसा ही बात किया कि मेरे पास बहुत काम है, बोले मैं ये सब तुम लोग केस में नहीं पढ़ूंगा, बोले। ऐसे पुलिस ऑफिसर आपकी मदद नहीं कर रहे। मैं 2 महीने से चक्कर काट रही हूँ, हर जगह चक्कर काटी, भाईकल्ला से लेके लालबाग से लेके हर जगह गई मैंने, मगर मेरी किधर सुनवाई नहीं हो रही है। मनियार जी, ये बताइए जो शकीला बानो जो है वो पीड़ित है, उनके फॉर्ज हुआ है उनके घर के कागज़ों में, तो आप उनके समर्थन में जाने वाले हो, तो आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? देखिए, ये शकीला बानो जो मैडम है, ये हमारे पास कुछ उम्मीद लेके हमारे पक्ष के द्वारा हमारे पास आए हैं, तो हम इनके जितनी भी पेपर थे हमने देखे, इसके अंदर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है। और मैं इतना कहना चाहता हूं कि इनकी अगर सास के नाम पे ये घर है तो इनकी सास ने किसी को तो ये संपत्ति किसी के नाम पे किए होंगे या किसी को लेटर तो दिए होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन सामने वाला थर्ड पर्सन अपने नाम पे ये सब डॉक्यूमेंट्स बना रहा है फर्जी तौर पे। तो मैं अपने पक्ष द्वारा ये कहना चाहता हूं कि जो भी अधिकारी है वो इसमें कायदे से जो कार्रवाई होती है वो कायदे से कार्रवाई करे, नहीं तो मुझे मेरे पार्टी के द्वारा उन अधिकारियों को भी जिम्मेदार समझते हुए उनके खिलाफ मैदान में आना पड़ेगा।